Why some people are successful, why some are not. Nothing works at the first time. कुछ भी पहली बार में कभी नहीं चलता, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए सर. कुछ भी पहली बार कभी नहीं चलता, और लोग पहली बार में ही सब कुछ करने का प्रयास करते हैं. ये पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ न्यू पर्सन ट्राइज बिफोर गिव अप? डू यू नो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ न्यू पर्सन ट्राइज बिफोर गिव अप? शॉक्ड. लेस देन 1% बिफोर ट्राइंग सम पीपल गिव अप. इवन बिफोर दे विल से नो, आई कैन डू इट, इट इज इम्पॉसिबल. बिफोर ट्राइंग दे आर सेइंग आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट. नथिंग वर्क्स आउट ऑफ मी. ये बात मुझे अच्छे समझ में आई 12 साल के अंदर से. मुझे ये बात समझ में आई कि तेरे पास जब भी कुछ आइडिया आता है, कुछ करने का आइडिया आता है, एटलीस्ट ट्राई फॉर 5 times, एटलीस्ट ट्राई फॉर 10 times बिफोर क्विट. कम से कम 10 बार तो कोशिश कर. नथिंग वर्क्स एट द फर्स्ट टाइम माय डिफरेंस. इट टेक्स 16 लॉन्ग ईयर्स फॉर राइट ब्रदर्स टू मेक अ 16 साल लगे 10,000 times. यू ऑल नो, ये एग्जाम्पल घिस चुके हैं दे देकर 10,000 times. लाइट बनाया उसने, क्या नाम था वो राजू के बेटे का? हाँ, 10,000 time एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके रोशनी का आविष्कार हुआ जहां मैं और आप बैठे हैं. उसको भी बोलते होंगे कुछ, या के बस की ना है, यहां से ना हो पाएगा. बोलते होंगे कि नहीं कान में आके उसको. कुछ लोग बुद्धिमान ज्यादा होते हैं, उनका बुद्धि कैसे नहीं होगा इसमें ज्यादा चलता है ना. वो कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया, साइंटिस्ट पलवल में आ गया. तो वो एक आदमी भैंस का दूध निकाल रहा था. उसने कहा सर पीजिए दूध. कह रहा दूध बाद में पीऊंगा, पहले इस भैंस को ले जाना यूनाइटेड स्टेट्स. उसने बोला सर जी क्या करेंगे? बोला काला भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, पहले ये देखूंगा मैं. How it is possible? काली भैंस हरा चारा सफेद दूध, इट इज impossible. मैं पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा. वो लगा एक्सपेरिमेंट करने में. दूध वाला दूध पी भी रहा है, बेच भी रहा है, पैसे भी कमा रहा है, मस्त हो रहा है, और उसकी खोपड़ी वहीं लटकी हुई है. माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग वर्क एट द फर्स्ट टाइम. कुछ भी चीज तुम्हारे दिमाग में आती है, आइडियाज आते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करने के बाद मत फेंको उसको. एटलीस्ट ट्राई फॉर 10 times, 15 times, 20 times. सर साइंटिस्ट ऐसे ऐसे मिशन पे लगे हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो उनको भी पता है कि उनके जीवन काल में पूरा ही नहीं हो सकता. पीपल आर वर्किंग हार्ड ऑन द मिशन, दे हिमसेल्फ नोज इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट इन देयर लाइफ टेन्योर. उनको पता है उनके जिंदगी में मिशन पूरा नहीं हो सकता. इट्स अ 200 ईयर मिशन, इट्स अ 300 ईयर मिशन, इट्स अ 100 ईयर मिशन. उनका काम सिर्फ बैटन पास करना है ना. रिले रेस में बैटन पास होती है ना, जैसे कि एक आदमी भाग के आता है, दूसरे को बैटन पकड़ाता है कि आगे तू ले जा बस. साइंटिस्ट लगे हैं सर, 150-150 साल का मिशन है, 200-200 साल का मिशन है. उनको पता है कि उनके जीवन काल में उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी. स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड, स्टिल दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क. पागलों की तरह लगे हैं, क्योंकि उनको असंभव शब्द साला कान में घुसता ही नहीं. बोले तुम बोले जाओ हमको अपना काम. नथिंग वर्क एट द फर्स्ट टाइम. ये दिमाग में घोंट लेना आप, पहली बार इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता. रिपीटेड एफर्ट्स, रिपीटेड एफर्ट्स चाहिए. करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तो एक दिन आकार लेने लगती है चीजें सर. एंड नेचर सपोर्ट्स देम.